जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैथ सोलवर ट्रिक पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के बारे में। 2020 में क्लास 6 का पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो उसका हम लोग पेपर एनालिसिस करेंगे, पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें जो आपका सारा पेपर है, सारा पेपर का मैं डिस्कस करूंगा और उसका उत्तर भी बताऊंगा, उसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देखेंगे। तो अगर आप सिमुलतला का फॉर्म अप्लाई किए हैं 2021 के लिए, क्योंकि आप जैसा जानते हो कि इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द लेने वाला है, तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन ज़रूर करके जाइएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट एनालिसिस में इंग्लिश, हिंदी, SST और साइंस है, ठीक है। अगर सिमुलतला क्लास 6 के लिए अगर आपको सिलेबस के बारे में जानना कि कौन सा सिलेबस है, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप जाकर चैनल पर विजिट करिए। इसके अलावा सिलेबस के अलावा और एक वीडियो मैंने और भी बनाया है जो आपका बुक्स से रिलेटेड है। तो आपका अगर बुक्स का सिलेक्शन चाहिए, बुक्स आखिर कौन कौन सी पढ़ना चाहिए सिमुलतला क्लास 6 के लिए, तो आप जाकर वीडियो पर विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, तभी आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा। तो फिलहाल हम लोग क्लास 6 का प्रीवियस पीटी 2020 का पेपर सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइंस ब्रांच जो है विज्ञान का, सबसे पहले उस पर आते हैं और इस पर इसका आंसर लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि, तो इसमें इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, या प्रदूषण रहित भी होता है या खत्म होने वाला नहीं है या प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग है। तो ये चारों ऑप्शन आपका, तीनों ऑप्शन सही है, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 42 नंबर में चलते हैं, 42 नंबर का सही आंसर बताना है आपको कि 42 नंबर में कौन सही आंसर हो जाएगा। तो 42 का आपका सही आंसर आप बता भी सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता कर देखिए कि कौन इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन करा कौन सा घर्षण लाभप्रद होता है, तो 42 का सी होगा, ठीक है, फर्श, यानी फर्श पर चलने का घर्षण, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका बोल रहा ठेला गाड़ी को चलाना आसान होता है, तो ठेला गाड़ी को चलाना क्यों आसान होता है, तो इसका सही आंसर बी है, ठीक है, बी नंबर इसका सही ऑप्शन है, बी यानी ढकेल कर, ठीक है, ढकेल कर यानी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बोल रहा निम्नलिखित में कौन सरल मशीन नहीं है, तो 44 नंबर आपको बताना है, तो डी इसका हो जाएगा, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जैक से गाड़ी उठाना आसान है क्योंकि, तो 45 का कौन हो जाएगा, सी, इसका सी नंबर हो जाएगा, कार्य सरल मशीन द्वारा होता है। मैं बोल भी दूंगा तो आप समझ लीजिएगा फ्रेंड्स कि सी है या बी है, ठीक है, तो 45 का सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर पर आते हैं, 46 नंबर में क्या कह रहा है, 46 नंबर में आपका कह रहा है कि पृथ्वी का, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा, पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है, तो 46 का बताना, 46 का सी हो जाएगा, परिक्रमण और तिरछा अक्ष, ठीक है। नेक्स्ट 47 नंबर पर आगे बढ़ते हैं, सभी प्रकार की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा होता है, तो बी इसका सही आंसर है सूर्य। मैं आपको बोल दूंगा, आप आंसर सुन लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बार बार मुझे इसका क्लिक करना पड़ता है इस पर, तो आप समझ लीजिएगा। सभी प्रकार की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है, तो सूर्य हो जाएगा। 48 नंबर में बोल रहा है कि जंगल कटाई का कुप्रभाव पड़ता है, तो किस पर पड़ता है, तो इसमें हो जाएगा डी, लास्ट नंबर, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, केवल जंगली जंतुओं पर, केवल मनुष्यों पर, केवल मौसम पर, ये सभी सही है, यानी उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी पानी ज़्यादा रोक सकती है, तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 49 नंबर का बताना, तो दो नंबर होगा यानी बी, ठीक है, बी नंबर यानी केवाल हो जाएगा, केवाल, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि, तो इसका सही आंसर सी है, पूड़ी में बाष्प भर जाता है, इसी कारण से पूड़ी जो है वो फूल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन पानी के साथ घोल बनाता है, तो पानी के साथ घोल कौन बनाएगा, तो 51 का सी हो जाएगा, नमक। नेक्स्ट TB से बचने हेतु कौन सा टीका सही है, तो सेकेंड नंबर यानी BCG का टीका हो जाएगा, BCG इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 53 पर आइएगा, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मच्छर से नहीं फैलती है, तो 53 नंबर का बताना, तो इसका डी हो जाएगा, फ्लू, ठीक है, फ्लू हो जाएगा इसका सही आंसर। बाकी डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया जो होती है, ये सारा कुछ मच्छर से फैलने वाला रोग है, यानी फ्लू नहीं होगा इसमें, फ्लू इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बोल रहा निम्न में कौन टाइफाइड का रोगाणु है, तो टाइफाइड का रोगाणु कौन सा है, तो 54 का सी हो जाएगा, जीवाणु, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु। नेक्स्ट
खेती में उर्वरक का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, फर्टिलाइजर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर के आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता 56 नंबर पर है, 56 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 56 का आपका आंसर हो जाएगा दो नंबर। ठीक है, आप दो नंबर देख लीजिए, दो नंबर में क्या कह रहा है, आरोपित बल के विपरीत दिशा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है एक ही बिंदु से एक कागज़ के टुकड़े एवं एक लोहे के टुकड़े को एक साथ अगर गिराया जाए, दोनों को क्या कर रहा है कि एक साथ गिराया जा रहा है, एक लोहे का टुकड़ा है और एक आपका क्या है कागज़ का है, और दोनों को साथ में गिराया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों एक साथ ज़मीन पर पहुँचेंगे अगर, तो इसमें शर्त लगा दिया कब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी निर्वात। ठीक है, यानी वैक्यूम जिसको बोलते हैं निर्वात में। नेक्स्ट, लंबी कूद के लिए एक एथलीट को कुछ दूर पीछे से दौड़ कर आना पड़ता है, क्यों ऐसा क्यों करना पड़ता है, तो 58 का बताइए, 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो लास्ट नंबर होगा प्रतिक्रियात्मक बल को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आगे आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, भोजन में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बहुत फेमस, इसका सही आंसर हो जाएगा अस्कर्वी। ठीक है, 59 का सही आंसर अस्कर्वी हो जाएगा। नेक्स्ट 60 नंबर में, एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब हुआ है, तो 60 का बताइए क्या हो जाएगा, तो 60 का सही आंसर आपका है सी, कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है, कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट 61 पर आइए, एक हल्की एवं एक भारी वस्तु का संवेग अगर समान हो तो किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो 61 का सही आंसर एक नंबर है, हल्की वस्तु की, इसका सही आंसर हो जाएगा हल्की वस्तु की। नेक्स्ट आगे आते हैं 62, मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सी ऊर्जा होता है, तो 62 का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो जाएगी, इसमें गतिज और स्थितिज दोनों हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अंडा देने वाला स्तनधारी प्राणी है, तो आपने नाम सुना होगा डक बिल प्लेटिपस, यानी ए नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय पशु बता दीजिए, तो आपको तो पता ही होगा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा तो मोर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो काफ़ी फेमस है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी लास्ट नंबर हो जाएगा, तो 65 कंप्लीट हो चुका है, यानी जो साइंस का पोर्शन जो है, साइंस का पार्ट समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आते हैं सामाजिक विज्ञान, यानी 66 नंबर से है। ठीक है, तो इस पर आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम्राट अशोक किसके पुत्र थे, तो 66 का दो नंबर हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिंदुसार। आगे बोल रहा मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होता है, तो 67 का हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा सटी हुई है, तो अगर मैप दिमाग में अगर होगा तो आप बता सकते हो, नेपाल हो जाएगा बिहार का। ठीक है, ए नंबर है, ठीक है, ए नंबर, यानी 68 का ए हो जाएगा। आगे बोल रहा दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है, तो थोड़ा सा आपको मैप भी क्लियर करना पड़ेगा, दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है, तो 69 का डी नंबर हो जाएगा, समस्तीपुर। ठीक है, आप मैप देखो तो मैप से आपसे पता चल जाएगा दरभंगा के जिला में जो है वो दक्षिण में कौन सा पड़ता है, तो समस्तीपुर। चलिए आगे 70 नंबर पर आते हैं, बरसात में लगाई जाने वाली फसलों का क्या नाम दिया गया है, तो 70 का बताना, 70 का एक हो जाएगा खरीफ फसल। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये बहुत फेमस है, 71 यानी 71 नंबर का आपको बताना कि 71 नंबर का सही हो जाएगा बी, यानी बिहार में है। आगे बोल रहा है बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो 72 का सही आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। आगे बोल रहा है बिहार का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है, तो बिहार का लोक नृत्य बताना है, यानी 73 का एक नंबर हो जाएगा झिझिया। ठीक है, झिझिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे कह रहा है नेत्रहीन बच्चों, ठीक है, नेत्रहीन बच्चों को किस लिपि में शिक्षा दी जाती है, तो आपको पता होगा ब्रेल लिपि में दिया जाता है, लुई ब्रेल इसके संस्थापक थे, उन्होंने ही नेत्रहीन बच्चों के लिए लिपि का आविष्कार किया था ब्रेल लिपि के। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, 75 का बताइए, 75 का हो जाएगा दो नंबर, 3 दिसंबर। ठीक है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको आप टिक कर लीजिएगा, 3 दिसंबर इसमें हो जाएगा। ठीक है, 3 दिसंबर, और इसमें ब्रेल लिपि। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को क्या बोलते, तो मरियाना गर्त, आपको पता ही होगा मरियाना गर्त। ठीक है, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है, आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताना है,
ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो 77 का 3 नंबर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 11,850 मीटर इसकी ऊंचाई है, या कहीं पर 11,848 भी देता है। नेक्स्ट आगे कहा जाता है दक्कन का पठार कहाँ है, ये आपको बताना है। 78 का सी हो जाएगा, ठीक है, भारत में। आगे कह रहा है विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो 79 का सी यानी मासिन राम यानी मेघालय में। और मेघालय में 3 प्रकार की जनजातियाँ भी पाई जाती है, गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय की ही जनजाति है और वहाँ का पहाड़ भी है, ठीक है। तो फिलहाल आप याद रखिएगा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है, ठीक है। इसके पहले मासिन राम के पहले चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन अब वो चेंज होकर मासिन राम हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये तो फेमस है, तो आप बता सकते हो किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो मेघालय में, ठीक है, मेघालय में इसका सही आंसर हो जाएगा, सी कड्डी हो जाएगा। भारत में कितने राज्य फिलहाल अभी बताना है, ठीक है, अभी बताना है। 81 नंबर है, 81 का हो जाएगा सी, 28 राज्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते बिहार में कितना जिले, आपको पता होगा 38 जिला है बिहार में। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, आगे बोल रहा है इसमें बिहार के राज्यपाल कौन है, तो ये तो आपका करंट अफेयर्स है। बिहार के राज्यपाल आपको बताना क्या अभी फ़िलहाल में कौन है, ये तो 2020 का था, तो इसे आप देख लीजिएगा बिहार के राज्यपाल फिलहाल कौन है। तो उस समय आपका देखिए यहाँ पर जो रॉन्ग इसका क्वेश्चन जो क्वेश्चन जो लिखा है उस समय के हिसाब से, ठीक है, तो इसमें इसमें सारा कुछ इसमें से कोई नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल करेंट है, तो करेंट को आप देख कर जाइएगा बिहार के राज्यपाल कौन है, या और भी स्टेट का राज्यपाल देख कर जाइएगा, ये पूछते रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऐसे अगर आप 83 का नंबर अगर आंसर शीट में मिलाओगे सिमुलतला के लिए तो उसमें रॉन्ग देता है, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन इसका सारा ऑप्शन ही रॉन्ग है, ऐसा दे रहा है इसमें रॉन्ग है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल करेंट अफेयर्स है, तो करेंट अफेयर्स आप देख कर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चेंज होते रहता है। आगे बोल रहा सभी ग्राम पंचायत विभाजित होते हैं, तो ग्राम पंचायत किस में विभाजित होते हैं, तो 84 का आपका 2 हो जाएगा वार्ड में, ठीक है, सभी ग्राम पंचायत वार्ड में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर में क्या बोल रहा है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपका करता है सरकार, ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा 85 का 3। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में भारत के पर तो पता ही होगा आपको नरेंद्र मोदी, ठीक है, 86 का 3 हो जाएगा। वेद कितने हैं, तो वेद आपका 4 हैं, ठीक है, ऋग वेद, यजुर्वेद, साम वेद और अथर्ववेद, याद रखिएगा। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंडिया गेट किस शहर में है, तो इंडिया गेट आपका है नई दिल्ली, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा तो मुंबई, लेकिन इंडिया गेट पूछेगा तो नई दिल्ली। नेक्स्ट, तो ये आपका SST का जो पोर्शन जो है ये भी आपका समाप्त हो चुका है। अब आते हैं हिंदी के पोर्शन में आते हैं, ठीक है, तो हिंदी का पोर्शंस भी काफ़ी अच्छा है, हिंदी से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे हिंदी के पोर्शंस पर। देखिए हिंदी में क्या बोल रहा है, परसर्ग ने के कारण क्रिया सदा किस काल में होता है, मतलब ने जो है क्रिया सदा किस काल में होता है ने, तो ये आपको बताना 91 का, तो ये हो जाएगा भूतकाल, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भूतकाल इसका सही आंसर हो जाएगा, भूतकाल में मारिएगा। नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि भाववाचक संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपने पढ़ा होगा संज्ञा तो आपको पता होगा इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भाववाचक संज्ञा कितने भेद हैं, यानी 5। नेक्स्ट आगे आते हैं, संज्ञा का तात्पर्य किससे है, नाम से है। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हम लोग 94 नंबर पर, महात्मा शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है कि महात्मा कौन सी संज्ञा है वो आपको बताना है, तो 94 का सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट बोल रहा पड़ोसिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें इन का प्रयोग हुआ है इन। नेक्स्ट आगे वो पढ़ते हैं, पद क्रम की दृष्टि से सही वाक आपको चुनना है कि सही वाक कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, ठीक है, ये इसका सही है। आगे बोल रहा दृष्टि का पर्यायवाची शब्द बताइए कि दृष्टि का क्या हो जाएगा, तो 97 का सही आंसर आँख, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे आते हैं, पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला से संबंध शब्द नहीं है, ठीक है, मतलब बोल रहा है कि कौन सा शब्द इसमें जो है पर्यायवाची शब्द एक दूसरा का नहीं है, तो ये आपको आंसर बताना है, ठीक है, तो ये आपका 98 क्वेश्चन है, तो 98 का है अंतर्गत, ठीक
ठीक है, अंतर्गत हो जाएगा। आगे बोल रहा क्रिस का विलोम बताइए कि क्रिस का विलोम क्या होता है, तो 99 का हो जाएगा सी नंबर, हिस्ट पुष्ट। नेक्स्ट बोल रहा है एक आँख से देखना मतलब क्या होता है, तो एक नंबर हो जाएगा एक समान मानना। नेक्स्ट आगे बोल रहा भाषा का मूल रूप बताना आपको, ठीक है, कि भाषा का मूल रूप क्या होता है, तो बताइए भाषा का मूल रूप, यानी 101 क्वेश्चन बोल रहा है 101 नंबर का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर। ठीक है, एक नंबर में देखिए क्या ऑप्शन है, मौखिक लिखा हुआ है, यानी मौखिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा नेपाली भाषा की लिपि बता दीजिए कि नेपाली भाषा की लिपि क्या होता है, दो नंबर हो जाएगा देवनागरी। नेक्स्ट 103 पर आते हैं, स्वर स्वर वर्ण, वर्ण लिखा कितने भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो तीन नंबर हो जाएगा, तीन होता है स्वर्ण वर्ण का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आयोग वाह कितने होते हैं, तो 104 का बताना, 104 का सही आंसर दो हो जाएगा, आयोग वाह दो होते हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं तद्धित किसका भेद है, तो आपको बताना कि तद्धित है किसका भेद, तो 105 का सही आंसर हो जाएगा प्रत्यय, प्रत्यय इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रत्यय पर टिकअप करिएगा, ठीक है सी नंबर। गणना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, गणना के आधार पर बताना है, तो गणना के तो आधार पर दो ही होता है, एक काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जो आप पढ़ते हो इंग्लिश में भी पढ़ते हो। आगे बोला जाता है कि अम्मा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, 107 नंबर का दो हो जाएगा अम्ब, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी कैसी शब्द है, तो 108 का हो जाएगा तीन संकर, ठीक है, जिसको वेराइटी बोलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा ऐतिहासिक शब्द है, तो ऐतिहासिक शब्द है कौन कौन, तो ऐतिहासिक शब्द आपको बताना है 109 नंबर, तो 109 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दो नंबर, ठीक है। दो नंबर में देख लीजिए क्या है, विशेषण, ऐतिहासिक क्या है, विशेषण है। 110 में बोल रहा किस शब्द में बी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर एक नंबर हो जाएगा विधायक में, ठीक है। 110 का क्या हो जाएगा, बी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ तो विधायक में, बाकी सब में है, ठीक है। नेक्स्ट आगे वर्णमाला कहा जाता है, तो वर्णमाला किसे कहा जाता है, तो 111 का तीन हो जाएगा वर्णों के क्रमबद्ध समूह, 103 का तीन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 112 में बोल रहा है री का प्रयोग होता है, तो री का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो 112 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, हिंदी और संस्कृत दोनों के शब्दों में ही किया जाता है, ठीक है, हिंदी और संस्कृत दोनों के शब्दों में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 103 का देखिए, 103 नंबर क्या बोल रहा है, हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो हलंत का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो बताइए 113 का डी नंबर हो जाएगा, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए, व्यंजन को अगर हमको स्वर रहित लिखना है, व्यंजन में अगर हम स्वर यूज नहीं करें, तो यानी हलंत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे कह रहा है अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा, 114 का एक नंबर हो जाएगा आजन्म। नेक्स्ट आजन्म हो गया, आजीवन हो गया, ये सारा कुछ अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट आगे बोल रहा गागर में सागर, ठीक है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो 115 का एक नंबर होगा थोड़े में बहुत कहना। नेक्स्ट आगे बोल रहा गवारा का अर्थ क्या है, गवारा का अर्थ एक नंबर है स्वीकार, ठीक है, गवारा यानी स्वीकार है, 116 का हो जाएगा एक नंबर। आगे विष्णु पोट्टी को क्या कहलाने का शौक था, अब देखिए थोड़ा सा किताब से क्वेश्चन पूछा है, विष्णु पोट्टी को क्या कहलाने का शौक था, तो 117 का दो हो जाएगा दानी। नेक्स्ट रहीम किस काल के कवि थे, तो रहीम जो थे आपका भक्ति काल के कवि थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 118 हो गया, 119 पर आते हैं, 119 में बोल रहा विनय पत्रिका की रचना किसने किया था, तो डी नंबर हो जाएगा तुलसीदास। उसके बाद निर्गुण धारा के कवि कौन है, तो निर्गुण धारा के कवि हैं कबीर दास, ठीक है, याद रखिएगा कबीर दास का जन्म जो हुआ था ये मगहर, ठीक है, मगहर, ठीक है, बनारस बोल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये कंप्लीट हो चुका, अब अंग्रेजी का पोर्शंस है, ठीक है, इंग्लिश का पोर्शन, तो इंग्लिश के पोर्शन पर आप ध्यान से देखिएगा, इससे भी बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है इंग्लिश से, तो आगे इंग्लिश पर ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, डे बाई डे आई फ्लॉट माई पेपर बोट्स हैज़ बीन रिटन बाई, तो ये जो आपका जो लिखा हुआ है, इस राइटर का नाम पूछ रहा है कि किस राइटर ने इसे लिखा है, तो राइटर का आपको नाम बताना है कि किस राइटर ने लिखा है डे बाई डे को। तो अगर आपने गवर्नमेंट किताब BTBC का पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि किसने लिखा है, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आगे आते हैं, नेक्स्ट बोल रहा द चाइल्ड इज वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लोटिंग, ठीक है, तो भरना है इन ए रिवर एज पर द पोएम डे बाई डे, मतलब डे बाई डे जो जो पोएम है
उसके अनुसार भरना है कि यहाँ पर क्या फिलअप होगा। तो 122 का सी नंबर होगा, पेपर बोट्स हो जाएगा। आपने अगर इसको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है 123। 123 पर ध्यान दीजिए। इन द स्टोरी एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी शंकर शंकर सॉ टू पेन पुटिंग ए हैवी खाली स्थान इन टू द जीप। ठीक है, तो इसका बताइए, ये भी आपका कहानी से ही क्वेश्चन से, इंग्लिश के कहानी से। तो 123 का आपका तीन नंबर हो जाएगा बैग। ठीक है, हैवी बैग हो जाएगा, हैवी यानी भारी बैग के बारे में चर्चा कर रहा है। नेक्स्ट अगला बोल रहा है, इन द स्टोरी एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी शंकर सॉ टू मेन पुटिंग ए हैवी बैग इन टू दी। तो 124 का दो नंबर हो जाएगा जीप, जीप में देखा था उन लोगों को। ठीक है, हैवी बैग के साथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 125 का, इन द स्टोरी ऑफ एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी शंकर शाह खाली स्थान मेन पुटिंग ए हैवी बैग इन टू द जीप। तो कितने लोगों को? तो 125 का तीन नंबर हो जाएगा, दो लोगों को। ठीक है, तो ये 125 तक क्लियर हो गया, सी नंबर हो जाएगा इसका। अब है 126। तो 126 पर आइएगा। एज पर द स्टोरी द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी द पुअर मैन एवरी डे इंजॉयड। तो किससे इंजॉयड होता था? तो 126 का हो जाएगा डी, द स्मेल हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है 127 है, तो 127 का आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, 127 का एक। नेक्स्ट आगे आते हैं। एक देखिए, ये आपका क्या है ना कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी ग्रामर से क्वेश्चंस पूछा हुआ है, अनेक शब्द का एक शब्द पूछा हुआ है। ए ग्लटन इज दी वन हु, मतलब जो बहुत खाता हो, जो बहुत खाता हो, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? पेटू कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 128 का एक, मतलब इट्स टू मच, जो बहुत खाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही शब्दों को आपका चुनाव करना कि इनमें से कौन सही शब्द है। तो सी नंबर इसका सही है, सी। नेक्स्ट द ग्रेट लस्ट, यहाँ पर भरना कि कौन सा प्रीपोजिशन भराएगा। तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो। तो इसका फॉर हो जाएगा, फॉर पावर। नेक्स्ट आगे आते हैं। रिवफ, रिवफ मीन्स, रिवफ का मतलब होता है तीन नंबर, अनकाइंड रिफ्यूज़ल, अनकाइंड रिफ्यूज़ल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉट्स ऑफ स्टैंड फॉर, लॉट्स का मतलब बताना है कि लॉट्स मतलब क्या होता है। तो 132 का तीन नंबर हो जाएगा, ए लार्ज नंबर। ठीक है, ए लार्ज नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है, दी अपोजिट ऑफ फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का अपोजिट बताना है कि फ्लोटिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो 133 का दो हो जाएगा, सिंकिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिंकिंग, सिंक मतलब इसे डूबना होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे आते हैं। द अपोजिट ऑफ लैंड, ठीक है, तो लैंड का अपोजिट बताना है। 134 का तीन नंबर हो जाएगा, बोरो। नेक्स्ट आगे है द अपोजिट ऑफ फुल्लिस, फुल्लिस का अपोजिट आपको बताना है कि फुल्लिस का क्या हो जाएगा। फुल्लिस का मूर्ख होता है, तो इसका हो जाएगा इंटेलिजेंट। नेक्स्ट बोल रहा, फाइंड द वर्ड मीनिंग सेम एज एलिवेटेड, तो एलिवेटेड का सेम मीनिंग कौन है, यानी एक तरीका से आपका पूछा है सिनोनिम्स पूछा है, तो इसका जवाब देना है कि एलिवेटेड मतलब क्या होता है। टू कॉपी उसका मीनिंग आपको बताना है कि क्या होगा। तो 136 का दो नंबर हो जाएगा, हाई। 136 हो गया। अब आते हैं 137 पर। 137 क्या बोल रहा, फाइंड द वनली मिस स्पेल्ड, मतलब गलती आपको बताना है कि मिस स्पेल्ड कौन है इसमें। 137 का देखिए, 137 को आप घेर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसका क्या बोलते हैं, इसको डिपार्टमेंट का जो विभाग का जो आंसर है उसमें इसमें रॉन्ग बताया है, ठीक है, तो इसको घेर के रखिएगा। ठीक है, इसमें सब सही लग रहा है, प्रोमिनेंट हो गया, डोमिनेंट हो गया, एंशियंट हो गया, तो इसे घेर कर रखिएगा। ठीक है, इसको राउंड फिगर में रखिएगा, इसका आंसर रॉन्ग दिया है। नेक्स्ट आगे वो आगे पढ़ते हैं। द पर्सन हु बुक्स योर टिकट ऑन ए बस इज, तो इसे क्या बोलेंगे? तो 138 का हो जाएगा, दो नंबर, कंडक्टर। कंडक्टर आप समझिए, समझ रहे हो, जो बस में होता है कंडक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 139 का, तो 139 का सही आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। 139 का, वन हु लिव्स ऑन हर्ब्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड, ठीक है, मतलब दोनों को क्या है, खाता होगा। ठीक है, हर्ब्स एंड प्लांट्स को, ठीक है, मतलब जीवित रहता होगा दोनों में। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? 139 का हो जाएगा, दो नंबर, हार्वी भोरस।
नेक्स्ट आगे बोल रहा है, द एक्ट ऑफ मूविंग परमानेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोलेंगे, तो 140 का तीन नंबर हो जाए माइग्रेशन, मतलब एक जगह से दूसरा जगह तक ठीक है जाता है उसे माइग्रेशन बोलते हैं, मूविंग परमानेंटली ठीक है, परमानेंटली मतलब पूरी तरह से चला गया मूव करके एक जगह से दूसरा जगह तक, तो उसे बोलते हैं माइग्रेशन। नेक्स्ट आगे आते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इन लाइफ, जो जिंदगी में हमेशा आगे की ओर देखता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो 141 का दो नंबर हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, या ऑप्टिमिस्ट बोलिए आशावादी जिसे बोलते हैं। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा होता है पेसिमिस्टिक, ठीक है इसे भी याद रखिएगा। आगे कह रहा है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, देखिए अभी मैंने आपको बताया पेसिमिस्टिक हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक का डायरेक्ट उल्टा होता है पेसिमिस्टिक, ठीक है मतलब जो पीछे की ओर चलता हो या पीछे अंधेरे की ओर देखता हो ठीक है, तो उसे बोलते हैं पेसिमिस्टिक बोलते हैं, पेसिमिस्ट भी बोला जाता है। तो 142 का तीन नंबर हो जाएगा, 143 में आते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज राइमिंग परफेक्टली, राइमिंग बताना है कि राइमिंग वर्ड्स कौन है, आपने 4-5 क्लास में पढ़ा होगा राइमिंग वर्ड के बारे में। तो 143 का डी नंबर हो जाएगा क्राइम प्राइम, देखिए एक दूसरा से मिलता जुलता है क्राइम प्राइम, ठीक है दोनों एम ई दोनों का मिल रहा है ठीक है। आगे बोल रहा है समथिंग विच कैन नॉट बी सीन, जिसे आप नहीं देख सकते उसको क्या बोलते हैं, तो 144 का हो जाएगा दो नंबर इनविजिबल अदृश्य। नेक्स्ट आगे बोल रहा है 145 को भी आप घेर लीजिएगा ठीक है, 145 को भी रॉन्ग देता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये क्या है कि यहाँ से एक पैसेज है जो कि पैसेज आपको समझना है और उत्तर देना है, तो मैं इसे पैसेज में आपको समझा देता हूँ कि क्या इसमें कह रहा है कहानी को ठीक है। तो वीडियो पर आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इस पैसेज को पढ़ते हैं और इसका आंसर सही देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप पैसेज समझिएगा कि पैसेज में कह क्या रहा है, लॉन्ग एगो इन मंगोलिया, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा, बस जस्ट सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइएगा, पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं क्या बोल रहा है कि लॉन्ग अगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एम्परर हु फियर्ड ग्रोइंग ओल्ड। कह रहा बहुत पहले की बात है कि मंगोलिया में एक राजा रहा करता था जो बूढ़ा हो रहा था ठीक है, ग्रोइंग ओल्ड। वन डे ही सा एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, एक दिन क्या हुआ कि उसकी नज़र, राजा की जो नज़र है गली में एक बूढ़े आदमी पर पड़ी ठीक है, तो वो क्या हो गया, अपसेट हो गया, अपसेट एट बीइंग रिमाइंडेड दैट सम डे ही टू वुड एज ही ऑर्डर्ड ऑल द ओल्ड पीपल टू लीव हिज लैंड। वो क्या हुआ, अपसेट हो गया और एक दिन सोचने लगा, सोचने के बाद फिर वो क्या किया, उसने कहा कि जो भी ओल्ड मैन है, जो भी ओल्ड पीपल हैं, उन्हें क्या लीव करने के लिए कहा गया, मतलब अपने राज्य से, अपने राज्य से जाने के लिए, छोड़ने के लिए कहा ठीक है, कि मेरा मतलब जो लैंड है उसे छोड़ दे, अब जितना भी ओल्ड मैन है वो सारा राज छोड़ सकते हो, मतलब ज़मीन छोड़कर यहाँ से जाओ, तो ये आदेश जारी उसने कर दिया था राजा ने ठीक है। आगे बोल रहा, वन डे ए वायलेंट स्टॉर्म स्वेप्ट द किंगडम, एक बार की बात है कि क्या हुआ कि उस राज्य में बहुत तेज आंधी तूफान, बहुत भयंकर आंधी तूफान आया, नथिंग वॉज सेफ फ्रॉम इट्स फ्यूरी, और कुछ भी सेफ नहीं रहा, कुछ भी बचा नहीं ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। आगे बोल रहा है, इट रिवर्ड इन टू द पैलेस एंड बिलो अवे द एम्परर बिलोंगिंग इंक्लूडिंग हिज प्राइसलेस, ठीक है प्राइसलेस गोल्डन पिक्चर। अब क्या है कि जब बाढ़ आया, बहुत जो भयंकर बाढ़ नहीं इसको बोलेंगे आप, इसको स्टॉर्म बोलो, आंधी तूफान ठीक है, तो वो राजा काफ़ी परेशान हो गया, रोयड हो गया, काफ़ी चिल्लाया, काफ़ी दहाड़ा अपने महल में, और वो क्या ढूंढ रहा था, एक गोल्डन पिक्चर, पिक्चर मतलब आप घड़ा समझ सकते हो ठीक है, मतलब सोने के घड़ा को वो ढूंढ रहा था। वेन ही स्टॉर्म एंडेड द एम्परर ऑर्डर्ड दैट द पिक्चर बी फाउंड एंड ब्राउट बैक टू हिम, तो उसने क्या किया कि जब स्टॉर्म यानी आंधी तूफान ख़त्म हो गया था, तो आंधी तूफान ख़त्म होने के बाद, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा, बस जस्ट सेकेंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या बोल रहा था, मैंने आपको बताया था कि वो क्या ढूंढ रहा था, एक सोने का घड़ा ढूंढ रहा था, लेकिन क्या हुआ ना, वो अपने आदेश दिया, सभी को आदेश दिया कि उस घड़ा को ढूंढ के लाओ, पीपल वेंट इन सर्च
ऑफ द पिक्चर, दे सा इट इन ए लेक नियर बाय। सभी ने क्या क्या देखा कि वो जो आपका जो पिक्चर जो था, ठीक है, पिक्चर जो था वो गोल्डन का, ठीक है, वो कहाँ दिखा, तो लेक लेक यानी झील के किनारे दिखा था, ठीक है। बट नो मैटर हु ट्राइड, नो वन कुड गेट ग्रिप ऑन द पिक्चर, ऑल गेट वाज हैंडफुल ऑफ वाटर। लेकिन वो जो सोने का घड़ा था, तो सोने का घड़ा किसी के हाथ नहीं आया, ठीक है, और सिर्फ हाथ लगा तो हैंडफुल ऑफ वाटर, सिर्फ पानी हाथ लगा, मतलब वो सोने का घड़ा किसी को नहीं मिला, ठीक है। तो बस यही कहानी है, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको जवाब देना है। दी मंगोलिया एम्परन, पहले 146 नंबर पर आते हैं, दी मंगोलियन एम्परर फियर्ड, तो किससे वो फियर्ड था, तो कहानी मैंने आपको समझा चुका हूँ, तो आप आंसर आराम से देख सकते हो। तो इसका 146 का आंसर बताइए, 146 का आंसर क्या होगा, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। 146 का, 146 का आपका 2 नंबर हो जाएगा, ग्रोइंग एज्ड। नेक्स्ट बोल रहा है 147, 147 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे 148 है, 148 में क्या हो जाएगा, नथिंग वाज सेफ फ्रॉम, तो बताइए किससे सेफ नहीं हुआ था, तो द वायलेंट स्टॉर्म, जो आंधी तूफान आया था। वेयर डिड द एम्परर सी द ओल्ड मैन, मतलब राजा जो है वो उस ओल्ड मैन को कहाँ देखा था, तो गली में, इन द स्ट्रीट। द गोल्डन पिक्चर वाज सीन, तो कहाँ दिखा था, तो अभी मैंने आपको बताया था, लेक यानी इन द लेक हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स 150 क्वेश्चन मतलब टोटल जो था, तो ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो आप जाकर इसे रिवीजन करिएगा। इसके बाद मैं मैथ का भी वीडियो बना दूंगा, मैथ का पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।